हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। ये हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो फिर देखिए, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन जो है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन ये 23 जून को किया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है। तो फिर देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध राजस्थान से है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध। और इसमें क्या है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को जो है, इसमें पाउडर वाला दूध दिया जाएगा कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को। वो भी कितना दिया जाएगा, 1-2 लीटर नहीं, 150 ml दिया जाएगा, पूरे 150 ml दिया जाएगा। 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पूरे 150 ml, 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दिया जाएगा दूध, मतलब 1 पाव से भी कम 200 ml दूध दिया जाएगा। और वो भी केवल 2 दिन हफ्ते में दिया जाएगा, मंगलवार को और शुक्रवार को। ये राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की गई है, मंगलवार और शुक्रवार, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। श्वेत क्रांति, इसमें दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति स्टार्ट की गई है, जो कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, इनमें से ऑप्शन 4 दे देगा। पहला पानी से नदी से, दूसरा खेत सिंचाई से, तीसरा बिजली उत्पादन से, चौथा दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड आप नाम सुनेंगे तुरंत आप टिक मारेंगे कि इसमें नदी के पानी से, ठीक है, क्योंकि फ्लड मतलब बाढ़ होता है और नदी के कारण बाढ़ आता है, तो आप पानी वाले ऑप्शन पर टिक मारते हैं। लेकिन इसका सही जवाब क्या है, दुग्ध उत्पादन पे। तो ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न क्या है, 23, अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 23 जून 2022 को किस राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो 23 जून 2022 को किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये देखिए, दिनकर गुप्ता को जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। और ये कौन सा अधिनियम है, यह अधिनियम है 2008 का अधिनियम है, मुंबई बम धमाका 2008 में हुआ था। तो ये 2008 का अधिनियम है और किसी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो दिनकर गुप्ता को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है। तो ये देखिए, पुस्तक से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है, तो वह किरण बेदी, पहली महिला IPS किरण बेदी की जो है पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस केंद्र राज्य शासित प्रदेश में, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी। तो वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी। तो ये देखिए, 19 देश हैं टोटल G20 में, नाम तो है G20 लेकिन देश कितने हैं, 19 देश हैं, लेकिन ये क्या है, यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, और इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, मतलब ये बातूनी मंच है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और जम्मू कश्मीर में इसकी बैठक होगी। आगे देखिए, ब्रिक्स की अध्यक्षता 2022 में किसने की है, तो चमगादड़ चाइना ने की है, ब्रिक्स की अध्यक्षता चाइना ने की है 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है कौन। तो एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो यह जापान जो है फर्स्ट टॉप पर है और टोटल 27 मेडल जीता है, और भारत जो है 5वें स्थान पर है। 21 से 25 जून 2022 तक ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 21 से 25 जून 2022 तक ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन जो है न्यू दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांतार ब्रांडेज 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है। तो भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड जो है वो है TCS, दूसरे नंबर पर HDFC, तीसरे नंबर पर वो इन्फोसिस। लेकिन अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में पहले स्थान पर है एप्पल जिसका $947 बिलियन जिसकी संपत्ति है,
$947 बिलियन, दूसरा नंबर गूगल, तीसरे नंबर और 46वें स्थान पर विश्व में देखा जाए तो TCS टाटा वाटा सब है, लेकिन इंडिया में जो है टॉप पर TCS है, जिसकी सब TCS की जो टोटल लागत है वो है $50 बिलियन। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, कहाँ से किया है? तो देखिए फ्रेंड, रक्षा अनुसंधान में जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये देखिए ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर से किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है, तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? तो कैरेबियन द्वीप समूह में जो है वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की। चर्चा में रहा फ्लोट टेस्ट क्या है? फ्लोट टेस्ट देखिए फ्रेंड, ये विधानमंडल में बहुमत परीक्षण के लिए होता है फ्लोट टेस्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्लोट्स लग गया कि आपको COVID-19 के परीक्षण के लिए, ऑप्शन में ये भी होगा, ऑप्शन में ये भी होगा, ऑप्शन सही है विधानमंडल में बहुमत परीक्षण के लिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।